Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog. आज का दिन बहुत स्पेशल है बिकॉज टुडे इज ईद एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू गाइज. जहाँ पे भी जो भी सेलिब्रेट कर रहा है, जिन्होंने कल सेलिब्रेट की थी उनको बिलेटेड ईद मुबारक, और जिन्होंने जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक. एंड आई होप आप लोग जहाँ पे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत खुशी के साथ और अपने प्यारों के साथ बहुत मजे से सेलिब्रेट कर रहे हैं. टुडे इज़ ईद डे एंड इट्स वेरी स्पेशल डे. और मैंने इससे पहले कभी भी ईद का कोई व्लॉग नहीं किया एंड आई वांटेड टू मेक अ व्लॉग टुडे बिकॉज मैं सोच रही थी कि आज का व्लॉग बनना चाहिए बिकॉज टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे, ईद डे है तो ईद का व्लॉग तो बहुत ज़रूरी है. आई एम सो एक्साइटेड टू टेक यू गाइज विद मी टुडे और मैं आप लोगों को अपने होल डे में दिखाऊंगी क्या होता है. आई जस्ट गॉट रेडी इवन दो आई वॉज वेरी वेरी सिक. मुझे यहाँ आने के बाद आई एम इन मरी और यहाँ आने के बाद ना मुझे फ़ौरन से एलर्जी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद मैं फुल टाइम बीमार रहती हूँ. आज भी मेरे साथ यही हुआ था बट स्टिल मैं आज उठी और मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ. एंड आई थॉट कि आज मुझे व्लॉग बनाना है बिकॉज टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू बी विद मी टुडे. तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए आज व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी. एनी वेज आई जस्ट गॉट रेडी और दिस इज़ माई आउटफिट टुडे. मैं आप लोगों को अपना फुल आउटफिट भी आगे जाकर दिखाऊँगी बट राइट नाउ मैं बस अभी रेडी हुई हूँ. उससे पहले मैंने थोड़ी सी कुकिंग की थी, मीठा बनाया था. एनीवेज आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सो डोंट गो एनीवेयर. आज पूरा दिन आपने मेरे साथ गुजारना है और आप लोगों को अपनी मेहंदी भी दिखाऊंगी जो कि बहुत फजूल है. मैं आप लोगों को अभी बैक कैमरा से दिखाती हूँ और यहाँ का मौसम इतना ठंडा हो रहा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि इतनी ठंड हो रही थी ना कि मैं सोच रही थी कि मैंने लॉन का ड्रेस क्यों लिया इस बार. लाइक मरी में अभी तक सर्दियाँ ही चल रही हैं तो बस मैं आप लोगों को ना अभी जरा मौसम भी दिखाती हूँ और अपनी मेहंदी भी दिखाती हूँ. दिस इज़ द वेदर. अभी भी बारिश होने वाली है. लिटरली जब से मैं आई हूँ ना दो तीन दिन से यहाँ पे यही मौसम चल रहा है. कभी बारिश हो रही है और ऐसा मौसम हो रहा है ना कि लाइक जैसे दिसंबर में होता है ना इस्लामाबाद में वैसा भी यहाँ पे चल रहा है. इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है. मैंने टेम्परेचर तो चेक नहीं किया. मैं आप लोगों को टेम्परेचर भी चेक करके बताऊँगी कितना टेम्परेचर हो रहा है. लेट मी शो यू गाइज द व्यू. यहाँ पर व्यू बहुत प्यारा है. आप लोगों का मतलब जब सुबह उठते हैं ना और इस व्यू को देखने के बाद आपका मूड फ्रेश हो जाता है. इस्लामाबाद भी इतना प्यारा नहीं है जितना मरी प्यारा है. लिटरली मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ. ये देखें वाओ. इस माय मेहंदी. मेरा आप मुंह चेक करें बहुत ख़राब हो गया बट ये देखें बहुत फजूल मैंने मेहंदी लगाई है. और इस हाथ में भी दिखाती हूँ. ये देखें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी बट क्या करूँ मैंने खुद लगाई है और मुझसे इससे बेहतर मैं नहीं लगा सकती थी. इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई डिड माय मेहंदी खुद से. अदरवाइज हमेशा मैं या फिर पार्लर से लगा लेती या आप ही लगा लेती. आई रियली मिस्ड आप ही इस ईद पे जब मुझे मेहंदी लगाना नहीं आती और मैंने रूबा के हाथों में भी लगाई है वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगी. आप उसके भी हाथ देखिएगा. मैंने उसके भी अच्छे खासे गंदे कर लिए हाथ. एनीवेज ये इस तरह की मेहंदी है. आई वॉन्ट शो इट टू माई ऑडियंस कि मैंने कैसी मेहंदी लगाई है. तुम्हें तो कैसी लगी है वैसे? ये देखें लेकिन फर्स्ट टाइम थी ना मेरा. और यहाँ पे मैंने ईद मुबारक भी लिखा है.
फुल पीछे से करके दिखा दो, दोनों हैंड्स दिखाओ ना, ऐसे दिखाओ ऐसे। तो ये देखिए जी, ये मैंने रूबा की मेहंदी लगाई है। आप लोग बताइएगा आपके मुझे नेक्स्ट टाइम ट्राई करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं लगानी चाहिए। तो आप लोग बताएं आप लोग ईद पे क्या स्पेशल करते हैं, लाइक कुछ स्पेशल डिश बनती है आपके घर में, या कुछ भी ऐसा स्पेशल इवेंट होता है, कोई दावत होती है, या क्या कैसे आप सो के, कुछ लोग तो सो के भी ईद गुजारते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग ईद कैसे स्पेंड करते हैं, और आप लोग अपने वो मोमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे जो आपको स्पेशल लगते हैं ईद पे। आई वॉन्ट टू हेयर फ्रॉम यू गाइज के आप लोग अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, आप ईद पे क्या स्पेशल करते हैं, या कुछ भी ऐसा स्पेशल आपके घर में दावत होती है, लंच होता है, आप किसी स्पेशल जगह पे जाते हैं, कुछ भी आप अपना स्पेशल मूड से ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह आप सबके कमेंट्स रीड करूँगी और देखूँगी कि आप लोग अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी मैं जो है ना थोड़ा सा जा रही हूँ अपने नेबर्स में, एंड आई विल गेट बैक टू यू गाइज आफ्टर आई गेट बैक होम। तो अगर वहाँ पर कुछ सीन ऐसा हुआ जो आप लोगों को दिखाने के लिए हुआ तो मैं वो शूट कर लूँगी, अदरवाइज मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। लेट्स आस्क रूबा कि उसकी ईद कैसी गुजरी है। रूबा आपकी ईद कैसी गुजरी है? ईद तो बहुत अच्छी गुजरी है, जैसे आपको देख के अंदाजा तो हो रहा ही होगा, लेकिन आई एम मिसिंग बाबा एंड हैप्पी सो मच। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा ईद फीकी हो गई। हाँ थोड़ा सा उनको तो मिस करते ही है ऑब्वियसली, लेकिन उसके अलावा बताओ। इसके अलावा आई जस्ट वांट टू से हाय टू माय फ्रेंड प्रभाव एंड ईद मुबारक, क्योंकि हमेशा उसको होता है कि मैंने उसको ईद मुबारक नहीं बोला। हर व्लॉग में तो मुस्कुरा को हाय होती है, मतलब रूबा के व्लॉग में अपीयरेंस इसलिए होती है कि उसने ना अपनी फ्रेंड को हाई और ईद मुबारक मतलब हाय बोलना होता है। तो मैं वैसे व्लॉग में लूँ ना तो ये कहती है नहीं नहीं मुझे व्लॉग में मत लेना, लेकिन जब इसको व्लॉग में जब आना होता है ना तो इसको हाई करने के लिए आना। आज मैं सिर्फ तुराब को हाई करना है, और आज साथ में तो मैं ईद मुबारक भी कहने आई हूँ, देख लो तुम इतनी स्पेशल है मेरे लिए, और बाकी सब कुछ तो तुम्हें बताइए। एंड व्हाट अबाउट माय ऑडियंस, उसको भी उनको भी तो ईद मुबारक बोल दो। एंड आई जस्ट वांट टू से हाय टू ऑल ईद मुबारक भी बोलो ना, ईद मुबारक टू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू, मैं उनकी तरफ से उनके बिहाफ पे मैं थैंक यू बोल रही हूँ। एनीथिंग यू वांट टू से? चलो चलो शुक्र है तुम इतना भी बात करी हो, वरना रूबा इतनी कैमरा शायद ना उससे उसको व्लॉग में लाने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है कि रूबा आपको व्लॉग में ले लूँ तो ये कहती है नहीं। समटाइम्स इसका ऐसा होता है कि चलो ठीक है व्लॉग में ले लें, और वो बहुत कम होता है ऐसा, अदरवाइज जो ये थोड़ा सा बोल लेती है ना ये भी नहीं बोलती, नॉर्मली तो बहुत बोलती है, लड़ती भी बहुत है, लेकिन कैमरा में नहीं बोलती। तो बेटा आपकी दी थैंक यू सो मच, कितनी है? थैंक यू, ये तो ये 10,000 नहीं है 7,000 है, इसमें आपने बाबा के पैसे भी उल्टे जो है ना वो ले लिए, और आपने भी कम दे रही है, मतलब बाबा की 10,000 थी और आपकी कहाँ इसमें तो 7,000 है सिर्फ। ये कब देंगी ये सिर्फ आप, मुझे लगता है कैमरा पे कह रही है। चले हैं देख लूंगी। आप कहेंगी ना मेरे हिसाब से तमाम बेटे बेटियों को जो भी ब्लॉग देखते हैं सबको ईद मुबारक। थैंक यू उनके बिहाफ पे मैं आपको थैंक यू बोल देती हूँ, ठीक है? और एनीथिंग जो मैं कहना चाहती हूँ कह दो, मैं सब ब्लॉग में डालूंगी। बोले ना नहीं और नहीं बोलती, सोच ले ये सबको एक बार कह दिया बस, ईदी भी देना सबको, ईदी मेरे पास है तो मैं सबको दे दूंगी, सोच ले दे दूंगी। चले बस ये दो सौ तो नहीं होती, साल की बात होती, मेरी ईद तो देना पहले आपकी दी है ना 7,000 रुपये दूँ। थैंक यू सो मच। ये ले जी योर ईदी। थैंक यू, थोड़ा सा ऊंचा बोल, थोड़ी सी थोड़ी है ये, हमारे देखे बाजी ने तो थोड़ी सी ईदी दी है। 1,000 है यार, 1,000 नहीं ले रही, कितनी चाहिए? थोड़ी सी ज़्यादा करें, कितनी चाहिए? चलो बताओ। 2,000, 3,000, मम्मा कह रही है 5, 5 कोई शब्द नहीं, बस ये ले लो, नहीं ले मुझे भी दो ना वापस दीदी, मेरे मुश्किल चल रही है। Yes. Thank you so much. I love you. Thank you. आप कौन रह गए? काफी रह गए ना? आप ही और रमजा भाई।
दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप आप लोगों ने मेरा ईद व्लॉग इन्जॉय किया होगा और मैंने तो वैसे आज का दिन काफ़ी इन्जॉय किया है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा एंड इसके अलावा कुछ खास था नहीं जो मैं आप लोगों को दिखाती, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट अपडेट दे सकूँ कि मैं अपनी ईद कैसे स्पेंड करती हूँ एंड आप लोग मुझे बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुजरी। आप लोगों को अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते और ऐसे चले जाते हैं। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो आप काइंडली सब्सक्राइब भी कर दिया करें क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपसे मेरी वीडियोज़ मिस नहीं होंगी। एनीवेज मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।